जेंटलमैन, गंदगी बेइंतहा फैलती चली जा रही है। इतनी ज़्यादा गंदगी फैल गई है कि हमारे दिमागों की और दिलों की गंदगी भी उमड़ उमड़ के हमारे सिगरेट बीड़ियों और बेड़ों के अंदर आ आ के मुल्क और शहर का तो बेड़ा गर्क कर रही है। और इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए? दिल और दिमाग की गंदगी तो बाद में देखी जाएगी, पहले बाहर की सफाई तो हो ले। मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट बुलाया है जो गंदगी ही साफ करने में एक्सपर्ट है, और वो उसने सारी ज़िंदगी अपनी गंदगी में काटी है, और वो बाकी भी उसकी इच्छा है कि जितनी ज़िंदगी उसकी बची है गंदगी में कटे, राइट? और वो है मिस्टर गंदगी सिंह थापा बहादुर। गंदगी, गंदा गुंडू राम काफी लंबा चौड़ा नाम है उसका। तो लीजिए, मैं उसको बुलाता हूं। अब बुलाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं खुद ही वो हूं। तो लीजिए लीजिए सोल्यूशन गंदगी हटाने का। मैंने इन्वेंशन की है, नई इन्वेंशन। मैं साइंटिस्ट भी हूं, इन्वेंटर भी हूं, गंदगी एक्सपर्ट भी हूं। आज जबकि हमारा मुल्क बुलेट ट्रेन्स बनाने जा रहा है ताकि तेजी तेजी से आदमी ट्रेवल करें, मेरी इन्वेंशन है। बताऊं मेरी इन्वेंशन क्या है? बुलेट ड्रेन्स। बुलेट ड्रेन्स, बंदूक की गोलियों से चलने वाली नालियां। मैं सारी नालियों को, इस सिटी की सारी नालीज को, सूवेज पाइप्स को, ड्रेनेज पाइप्स को, गटर्स को, खास करके गटर वर्ड कितना खराब है, यू स्नेक इन द गटर लोग कहते हैं मुझे कई दफा जब क्रोधित हो जाते हैं। तो गटर के बजाय ड्रेन कह लिया जाए तो क्या बुरा है? बुलेट ड्रेन्स बनाई जाए। मैंने ऐसी इन्वेंशन किया है जो वैक्यूम से चलेगी, वैक्यूम क्लीनर के प्रिंसिपल पे चलेगी, वैक्यूम से शक करेगी गंदगी को जहां भी गंदगी पड़ी हो, और उसको हड़प करके हजम कर लेगी अपने अंदर, और वो वैक्यूम के बाद एक पिस्टन चलेगा। पिस्टन जो चलेगा वो कंप्रेस करेगा उस गंदगी को, गंदगी को दूसरा पिस्टन भी कंप्रेस करेगा, और जब वो गंदगी बे इंतहा कंप्रेस हो जाएगी तो एक तीसरी ट्यूब अचानक खुलेगी। उस तीसरी ट्यूब में से ये फास्टर देन 800 माइल्स पर आवर गंदगी निकल के जाएगी, और गंदगी निकल के जाएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी हर कामों में हमारे, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की अनब्रेकेबल पाइप्स के अंदर गंदगी जाएगी, और गंदगी को जाते भी हम लोग देखेंगे। और कहां जाएगी गंदगी? सीधा समुंदर में, राइट? जिस जहां उसका कोई पोल्यूशन का असर भी ना पड़े। ये क्या, दरिया के अंदर गंदगी को फेंक देते हैं तो दरिया भी गंदा हो जाता है। तो ये मेरी बुलेट ड्रेन ऐसी जबरदस्त ड्रेन होगी, ये अंडरग्राउंड नहीं जाएगी क्योंकि अगर ये फट गई तो सारा शहर उड़ जाएगा। ये ओवरग्राउंड जाएगी, ऊपर जाएगी आसमान पे। इसके लिए हम ओवरपास बनाएंगे, जैसे बुलेट ट्रेन ऊपर से जाएगी इसी तरह ये हमारी गंदगी की बुलेट ड्रेन्स शहर के ऊपर से जाएंगी। हजारों मील लंबी होंगी, लाखों मील लंबी होंगी, सारी कंट्री इंटरकनेक्टेड हो जाएगी इन गंदगी की पाइपों से, बुलेट ड्रेन्स से। और ये सारी बुलेट ड्रेन्स हजारों मील चल के, हजारों मील तय करके इस वैक्यूम और पिस्टन कंप्रेशर के थ्रू समुंदर के अंदर जा पड़ेगी, और सारा समुंदर
गंदगी ही गंदगी से फ्लडेड हो जाएगा, मगर क्योंकि समुंदर इतना विशाल है उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा जितनी मर्जी गंदगी हम उसके अंदर डाल लें। मैंने ट्राई किया था, ये मैं ट्राई भी कर चुका हूं एक बार, और हमारे दो चार जो इंजीनियर थे वो सक्ड इन हो गए थे गलती से, और पाइपों के अंदर जाके उस समुंदर के अंदर डुबकी भी लगाए। उनको स्विमिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधे समुंदर के अंदर जाके पड़े। उनको बाद में सबमरीन के थ्रू निकाल लिया गया। तो अगर गलती से कोई इंजीनियर हमारा बुलेट ट्रेन के अंदर सक्ड इन हो गया तो वो उसका भी मैंने इंतजाम सोच रखा है। बुलेट सबमरीन जो कि बुलेट ट्रेन से कूड़े करकट को निकालेगी, और उस कूड़े करकट के साथ हमारे जैसे इंजीनियर भी होंगे जो निकाले जाएंगे उन ड्रेनेज पाइप से, और फिर के उनको वापस तुरंत दूसरी ड्रेनेज पाइप से भेज दिया जाएगा। जो चीफ इंजीनियर्स की ड्रेनेज पाइप्स होगी उसके अंदर स्लाइड करते हुए वापस प्लास्टिक की पाइप्स में वो इंजीनियर वापस आ जाएंगे। सो नो लॉस ऑफ मैन पावर, नो लॉस ऑफ पावर, द लॉस विल ओनली बी द लॉस ऑफ द गंदगी। हाउ इज दैट? इट्स अ पाइप ड्रीम, मगर ड्रेनेज पाइप्स भी तो पाइप्स होंगी, यू सी। इट्स अ पाइप ड्रीम, बट सो व्हाट, बुलेट पाइप ड्रीम, बुलेट ड्रेन।